आजकल बाजार में कई तरह की हर्बल चाय आने लगी हैं, जो कि हमारी बॉडी और खासकर किडनी के लिए काफी फायदेमंद है। अब तक आप लोगों ने कई तरह की हर्बल चाय ली होगी, जैसे ब्लू टी, ग्रीन टी और हनी एंड लेमन टी। तो आज आप अपनी इस लिस्ट में हिबिस्कस टी यानी गुड़हल की चाय को भी शामिल कर लीजिए। जी हाँ, गुड़हल के फूल से बनी चाय भी हमारी किडनी के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। इस चाय की मदद से आप कई ऐसी समस्याओं से दूर रहते हैं जिसकी वजह से किडनी खराब होने की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं आखिर कैसे हिबिस्कस टी यानी गुड़हल की चाय हमारी किडनी को खराब होने से बचाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और जानते हैं हिबिस्कस टी के कुछ फायदों के बारे में। तो हिबिस्कस टी का सबसे पहला फायदा है कि इससे ब्लड शुगर लेवल काबू में रहता है। दरअसल गुड़हल के फूल की पत्तियों में इथेनॉल एक्सट्रैक्ट और एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं, जो इंसुलिन को एक्टिव करने में मदद करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल काबू में आने लगता है। हम सभी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि डायबिटीज किडनी खराब होने का सबसे बड़ा कारण है, इसलिए इसे हमेशा काबू में ही रखना चाहिए। गुड़हल की चाय यानी कि हिबिस्कस टी का सबसे बड़ा फायदा है कि इससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डिजीज होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन गुड़हल की चाय ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर हार्ट को भी बीमारियों से बचाती है। हिबिस्कस टी लेने का दूसरा फायदा है, इससे ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको हिबिस्कस टी जरूर पीनी चाहिए। जब आप इस चाय को पीते हैं तो इससे आपको यूरिन ज़्यादा आता है और फिर यूरिन के साथ सोडियम और बाकी कई टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर चले जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर काबू में आने लगता है। ब्लड प्रेशर भी डायबिटीज़ की ही तरह किडनी खराब होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है। चलिए अब जानते हैं हिबिस्कस टी का तीसरा फायदा। गुड़हल की चाय पीने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दरअसल गुड़हल के फूलों में पॉलीफिनॉल्स काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है, जो कि हमें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचा कर रखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब स्टडी में पाया गया है कि कैंसर कोशिकाओं पर हिबिस्कस अर्क काफ़ी तेज़ी से असर करता है, जिसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी में काफ़ी आराम मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि कैंसर रोगी अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस चाय का सेवन करें। आपको यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि किडनी रोगी हिबिस्कस टी यानी गुड़हल की चाय का सेवन नहीं कर सकते। जी हाँ, किडनी रोगी हिबिस्कस टी नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, किडनी रोगी को दूसरी हर्बल टी से भी दूर ही रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं हिबिस्कस टी पीने का पांचवा फायदा। हिबिस्कस टी लेने से दिल से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है। जब आप हिबिस्कस टी यानी गुड़हल की चाय पीते हैं तो इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने लगता है, जो कि दिल से जुड़ी समस्याएं होने का सबसे बड़ा कारण होता है। गुड़हल की चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स बैड कोलेस्ट्रॉल LDL का लेवल कम करने में मदद करते हैं, जिससे दिल से जुड़ी परेशानी कम होने लगती है। दरअसल जब कोलेस्ट्रॉल लेवल काबू में आने लगता है तो ब्लड वेसल्स के डैमेज होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है और इससे ब्लड फ्लो भी काफ़ी अच्छे से होने लगता है। और जब ब्लड फ्लो अच्छे से होता है तो दिल तक ब्लड आराम से और पूरी मात्रा में जाता है, जिससे दिल से जुड़ी समस्याएं नहीं होती। जब बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है तो इससे किडनी पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ने लगता है, क्योंकि किडनी तक ठीक तरह से ब्लड नहीं आ पाता और जो आता है उसमें टॉक्सिन्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। इससे ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थे हिबिस्कस टी पीने के कुछ खास फायदे, जिससे किडनी रहती है हमेशा स्वस्थ। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।